एक सब्जेक्ट जो इनको पता है मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं अक्सर बात करता हूँ, आपको प्राइमा फेसाई जैसे लॉ में करते हैं ना कि सामने एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे पागलबंदी की बात है, इसका मतलब क्या है एंजॉय मैक्सिमम स्कोर मैक्सिमम से, इस टॉपिक का हमारी लॉ से क्या मतलब है, लाइफ से क्या मतलब है, सक्सेस से क्या मतलब है, बीइंग ए टॉप से क्या मतलब है। लेकिन जितनी जितनी बात आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कितना सख्त मतलब है, कितना गहरा मतलब है। कैन यू टेल मी अबाउट वन पर्सन इन लाइफ हु स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ यू इवन बिफोर योर बर्थ? मदर, जोर से कहिए ना, मदर। एब्सोल्युटली राइट। अब आपको पता लगेगा क्यों बात क्यों कर रहे हैं। यू ऑल नो इट एंड दिस इज साइंटिफिक। दोज हु आर इमोशनली सिक्योर स्कोर बेटर। डू यू एग्री टू दिस? एंड द फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट्स मच बिफोर द बर्थ। आर यू अवेयर ऑफ इट? फिर तो सारी बात हो गई, रह गया क्या? वी ऑल नो बिफोर वी वर बॉर्न आवर रिस्पेक्टिव मदर्स दे चेंज देयर रूटीन, ड्रेस सेंस, ईटिंग हैबिट्स, एक्टिविटीज, एवरीथिंग दे चेंज एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, मदर्स एडवाइस, मदर इन लॉ एडवाइस, नेबर्स एडवाइस। वाई? बिकॉज ऑफ हूम? बिकॉज ऑफ अस। तभी माँ पे जितना लिटरेचर लिखा गया किसी के लिए नहीं लिखा गया, बिकॉज शी इज ओशन, ओशन ऑफ लव, सरेंडर, सेक्रीफाइस, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इन वन पर्सन। हमारे टाइम में बड़ा अच्छा गाना आता था, उसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी ज़रूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या हो। एक शायर तो माँ को इतना लिखता है, इतना लिखता है, कहता है मेरे माँ को जब एक्सप्लेन करता है वो क्या लिखता है कि मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो वो रो देती है, कहती कुछ नहीं है बेचारे। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ मदर एंड ऑल दिस विद आवर सक्सेस, विद आवर जॉय, विद आवर अचीवमेंट्स। आपको मैं एक छोटी सी स्किट से बताता हूँ, आपको बड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। मेरे को नाटक करने का बड़ा शौक रहा है लेकिन आपके सामने पूरा नाटक तो नहीं हो सकता, एक डेढ़ मिनट की स्किट में दिखा सकता, वेरी शॉर्ट स्किट, एज दिस ए वर्ल्ड इज अ स्टेज, आपको एक डेढ़ दो मिनट का नाटक दिखाता हूँ। इससे आपको पता लग जाएगा, आपको डिसाइड हो जाएगा कि 10 करोड़ में कौन सा बच्चा है और 11 में कौन सा। स्किट इसलिए दिखा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग दिस ड्रामा बिफोर यू जस्ट टू टेल यू, टू रिमाइंड यू एंड टू Ask you to make up your mind which category you want to come, 17 लाख वकीलों में या टॉप 17 में, 10 करोड़ में कि 11 में जो क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 करोड़ तो खेल गए चले गए, पैदा हुए और मर गए वाली कैटेगरी में कि पैदा हुए कुछ कर गए वाली कैटेगरी। ये इस किट में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, आपको एक सेकंड में डिसाइड हो जाएगा मेरे को किस कैटेगरी में आना है। दैट इज वाई आई एम बॉदरिंग यू विद दिस। इमेजिन नाउ अगेन एज शेक्सपियर द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये स्टेज इमेजिन करिए। अर्ली मॉर्निंग ए चाइल्ड गेट्स अप, स्टूडेंट ही और शी, ही गेट्स अप एंड मॉम सेज कि बेटा मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे को फीवर है, मैं जल्दी से तुम्हारा लंच पैक कर देती हूँ और नाश्ता दे देती हूँ, आप स्कूल जाइए। नाटक का पहला भाग इतना ही है, जल्दी से फीवर था दे दिया। अब नाटक का दूसरा भाग, स्किट का दूसरा पार्ट जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू आर टू सी एंड डिसाइड विच कैटेगरी आई वॉन्ट टू बी। आफ्टरनून में आफ्टर द कॉलेज और स्कूल व्हेन द बॉय कम्स बैक, द टू टाइप ऑफ बॉयज, वन इज हु इज इन दैट कैटेगरी, पैदा हुए और मर गए, एंड वन इज हु इज इन द चैम्पियन कैटेगरी। आपको अभी पता लग जाएगा पैदा हुए और मर गए वो कौन था और कुछ कर गए वो कौन था। जो पैदा हुआ और मर गए कैटेगरी का है उसको तो याद ही नहीं कि मम्मा बीमार थी मॉर्निंग में, दैट शी हैड फीवर, मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ, वो तो नशे में हमारा है।
कॉलेज से घर वापस आए, पता ही नहीं कि माँ को फीवर था, और बैग फेंका और बोला मम्मा खाना बनाओ ना फटाफट, बहुत भूख लगी है, एज इफ बहुत एहसान कर दिया माँ पे कॉलेज जाके। ध्यान ही नहीं कि माँ बीमार थी सुबह, और बीमारी की हालत में उसने कॉलेज भेजा। अब जो चैंपियन है, जो 11 में है, जो टॉप लॉयर है, टॉप फोटोग्राफर है, टॉप जर्नलिस्ट है, टॉप पार्लियामेंटर है, टॉप टीचर है, वो कैसे बिहेव करता है ये देखिए। इसलिए कहता हूँ आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कैसे बिहेव, वो आता है उसका रोल डिफरेंट है, वो देखिए कैसे बिहेव। वो तो आता है और आके माँ के पास बैठता है, मम्मा कैसी हो, अभी तक आप सो रहे हैं, क्या बात, फीवर है डार्लिंग, क्या कर रहे हो, और हाथ पकड़ता है और वो कहती है मेरे को फीवर तो है पर मैं तेरे लिए खाना बना दे। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो माँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, 2 घंटे नहीं खाऊंगा तो भूखा रह जाऊंगा, टोस्ट खा लूँगा, ब्रेड खा लूँगा, आमलेट खा लूँगा, कुछ भी खा लूँगा, आप सोए रहिए, आप बताइए, दवाई ली, फ्रूट लिया, दूध लिया, पाँव दबाऊँ, सिर दबाऊँ, क्या करूँ बताओ आप। ही इज कंसर्न, ही सेइंग मैं भूखा मरने वाला नहीं हूँ, ही सिटिंग विद हर, पाँव दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, प्यार से गप्पे सुना रहा है। Why I'm telling you? Because he is the same boy. When tomorrow he joins a company, he tells doctor sahab कि डॉक्टर साहब आप तो 15 गाड़ियाँ भेज रहे हैं MIT से, मेरे हिसाब से 5 गाड़ियों में काम चल जाएगा, आप ये रूट बदलिए, आपने मेरे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया था, ये सारे रूट बदलिए, आपकी 10 गाड़ियाँ महीने की, 10 लाख रुपया साल का मैं बचा सकता हूँ। ही इज नॉट इनसेंसिटिव, ही इज नॉट सेइंग कि मेरे को तो तनख्वाह लेनी है, मैं उनका क्यों झंझट में पढ़ूं, पहले डॉक्टर मोना को दिखाओ, फिर डॉक्टर बालाचंद्रा को दिखाओ, फिर प्रधान जी को दिखाओ, फिर चौहान साहब को दिखाओ, मैं इस झंझट में क्यों पढ़ूं, मेरे को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मैं ले लूंगा। बट नो, ही इज अ चैंपियन, ही सेज आई एम गेटिंग सैलरी फ्रॉम MIT फ्रॉम सर, आई शुड बी ऑनेस्ट टू दिस इंस्टीट्यूट, आई शुड अप्लाई माई माइंड। वो सेम बच्चा है जो माँ को कह रहा है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ माँ, कुछ भी खा लूंगा, आप बताइए क्या करना है। वाई आई एम टॉकिंग, बिकॉज एज आई स्टार्टेड विद दिस, आपकी फितरत बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है, इट बिकम्स योर हैबिट, इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू। आप कहते नहीं वो हर वक्त हंसता रहता है, वो सबकी मदद करता है, वो हर वक्त कुड़ता रहता है, चिढ़ता रहता है, क्या हैबिट बन जाती है। जो माँ के लिए सेंसिटिव नहीं है, डू यू थिंक ही और शी वुड बी सेंसिटिव टू द सब्जेक्ट, टू द टीचर, टू द केस, टू द फाइल? नॉट द लीस्ट। इनबिल्ट हैबिट्स वो चेंज नहीं होती हैं। देयरफॉर आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, बी सेंसिटिव राइट फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम द वर्ड गो।